चार पंक्तियां ऐसे बनी तो नहीं बनाना चाहता आपके गीत के बाद मेरा भी मन गीतमय हो गया है कि दिल के अंदर तलक हम उतर जाएंगे। तेरी कलियों से जिस दिल गुजर जाएंगे, आदमी से मिलो आदमी की तरह, वरना इंसानी रिश्ते ये मर जाएंगे। तेरी गलियों से हमारे बीच में अपने सी पूजन दादा बैठे, मैं प्रणाम करता हूँ और तमाम बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए भी मेरे पास कुछ मुक्तक मौजूद है, हम नए मुक्तक से आपको जोड़ेंगे। मगर मैं एक ऐसी कवि को बुलाना चाहता हूँ जो पिछले वर्ष अपनी काव्य पाठ के दौरान नंबर एक पर दिखाई दी, यानी कि प्रशांत मिश्र जी, इंजीनियर प्रशांत मिश्र जी आजमगढ़ की धरती से आपके बीच में हैं और हम लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, सभी आम जनमानस में उनको फिर से बुलाया है, तो जिस मन से बुलाया है उसी मन से आपको सुनना भी है। तो मैं सिर्फ चार पंक्तियों से उनको बुलाना चाहता हूँ। आई को अपने अल्पना कीजिए, आगे क्या होगा ये कल्पना कीजिए। तेरे माता पिता तेरे भगवान हैं, उनके चरणों की बस वंदना कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए भाई प्रशांत मिश्र जी आपके बीच में, तालियां जोरदार हो जाए प्रशांत भाई, बहुत अच्छा करेंगे। हार्दिक को नमन करता हूँ, आप सभी की पावन पावन को प्रणाम प्रणाम करता हूँ। आदरणीय महाराज जी को प्रणाम प्रणाम करता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष साहब को प्रणाम करता हूँ, दोबारा इतने गुणी और श्रोताओं के बीच आमंत्रित किया, आमंत्रित किया, आदेशित किया, और जैसा चाचा ने बताया मैं इंजीनियर, हालांकि इंजीनियर नहीं हूं मैं डॉक्टर। चार पंक्तियां अपने इंट्रोडक्शन की पढ़ता हूं। आया मध्य प्रदेश से हूं, जबलपुर से हालांकि रहने वाला आपके पड़ोसी ही जिले का हूं, अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। जुड़िएगा तालियों से, मजा आएगा आपको भी मुझे भी। मैं कवियों शायरों आतंकियों के गढ़ से आया हूं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हमारे शहर को आतंकगढ़ बोलते हैं, हालांकि मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। ये कुछ लोग सियासत वाले हैं, कुछ लोग अदालत वाले हैं, पर हमसे तुम निश्चिंत रहो, हम सिर्फ मोहब्बत वाले। क्या बात है, बहुत बहुत बहुत। मैं कवियों शायरों आतंकियों के गढ़ से आया हूँ, मैं अमनो चैन की हर एक किताबें पढ़ के आया हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपका प्यार पाने के लिए सुल्तानपुर वालों, वाह वाह, आपका प्यार पाने के लिए ओ पेमापुर वालों, मैं दुर्वासा ऋषि की भूमि आजमगढ़ से आया हूँ। वाह, तालियां हो जाए, तालियां, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा भैया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, कमाल हो गया, कमाल हो गया। माँ की पुण्यतिथि पे आयोजन है, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। हालांकि माँ ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जिसको समेट पाना शब्दों में बड़ा नामुमकिन है, फिर भी कोशिश करता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है प्रसन्न। कि निश्चलता का प्रारूप है माँ इस धरती पर, स्नेह का सच्चा स्वरूप है माँ इस धरती पर, और दुनिया में माँ के जैसा कोई इंसान नहीं, दुनिया में माँ के जैसे कोई इंसान नहीं,
भगवान का दूजा रूप है माइस धरती पर। वाह बहुत अच्छा। एक माला, एक माला, बालिका इंटर कॉलेज में सामने इतनी प्यारी प्यारी कन्याएं बैठी हुई हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। नारी के विविध रूप हैं, एक छंद और नारी पर पढ़कर फिर अपने मिजाज में आता हूं। जी जी स्वागत है, स्वागत है। कि स्नेह से पुकारता है कोई। हेलो हेलो हेलो, क्या हो? स्नेह से पुकारता है कोई यदि नारी को, तो स्नेह ममता से भरी थाली बन जाती है। नारी के कितने रूप होते हैं। कि स्नेह से पुकारता है कोई यदि नारी को, तो स्नेह ममता से भरी थाली बन जाती है। धन्यवाद। वाह पहली ही लाइन इतनी प्रभावशाली। स्नेह से पुकारता है कोई यदि नारी को, तो स्नेह ममता से भरी थाली बन जाती है। और जीजा बन के कोई पुकार ले जो नारी को, तो हास पर हास हेतु साली बन जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जीवन की बगिया में फल फूल रही, कलियों को पालने के लिए माली बन जाती है। वाह वाह। के जीवन की बगिया में फल फूल रही, कलियों को पालने के लिए माली बन जाती है। और रणभूमि में कोई पुकार ले जो नारी को, तो शत्रु के विनाश हेतु काली बन जाती है। बहुत अच्छा प्रशांत भाई, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, शानदार पढ़ा। धन्यवाद, जोरदार। वाह आज बहुत बढ़िया, शाबाश। धन्यवाद सर, भार में है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वाह स्वागत, स्वागत। आइए अपने मिजाज पे आता हूँ। मोहब्बत का डॉक्टर बोलते हैं, मोहब्बत का डॉक्टर आप बन गए हैं। आप आपका चेहरा ऐसा है कि आप मोहब्बत के नर्स भी बन सकते हैं। बीच बीच हमें डॉक्टर ही रहने दी, हम नर्स नहीं बनना चाहते। स्वागत स्वागत। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मोहब्बत का डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन मोहब्बत हो नहीं पाई, कोई प्रेमिका बन नहीं पाई अब तक। उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं बनी क्योंकि योगी जी की सरकार आ गई। चार पंक्तियां वहीं से पढ़ता हूं। कि पूर्ण बहुमत से है आई सरकार, तो योगी जी योजनाएं भी करारी ही बनाएंगे। और जींस पे भी बैन और टी शर्ट पे भी बैन, लगता है शिक्षकों को भगवाधारी ही बनाएंगे। जींस पे भी बैन और टी शर्ट पे भी बैन, लगता है शिक्षकों को भगवाधारी ही बनाएंगे। और किसी महिला के साथ यदि घूमते पाए गए, तो पुलिस वाले काट काट तरकारी ही बनाएंगे। किसी महिला के साथ यदि घूमते पाए गए, तो पुलिस वाले काट काट तरकारी ही बनाएंगे। और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे फैसलों से लगता है वो हमें भी ब्रह्मचारी ही बनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा। वाह। उत्तर प्रदेश में प्रेमिका नहीं मिली, फिर मैं डॉक्टरी पढ़ने मध्य प्रदेश चला गया। पिछले चार पांच सालों से मध्य प्रदेश में हूँ, जबलपुर। हालांकि वहां भी प्रेमिका नहीं मिल पाई, वहां की हालत और गंभीर थी। आप लोग राजनीतिक परिस्थितियां समझते होंगे। मैं चार पंक्तियां वहां से पढ़ता हूँ, क्यों नहीं बन पाई प्रेमिका, क्या डर था मुझे। कि था समझता तुम्हें बिंदिया की तरह। बिंदिया जो विश्वास का प्रतीक होती है, बिंदिया की तरह। था समझता तुम्हें बिंदिया की तरह, तुम हो झूठी मगर मीडिया की तरह। और कांग्रेस सतन्हा मुझे छोड़कर, कांग्रेस सतन्हा मुझे छोड़कर तुम चली जाओगी सिंधिया की तरह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मध्य प्रदेश में भी प्रेमिका नहीं बन पाई, तो मैं कुछ दिनों के लिए बिहार गया। मुझे उम्मीद थी वहां बनेगी, लेकिन वहां परिस्थितियां और विकट निकली।
वहां तो ऐसा हुआ कि हम गलत फहमियों के शिकार हुए, बीच में छोड़कर तुम फरार हुए। हम गलत फहमियों के शिकार हुए, बीच में छोड़कर तुम फरार हुए। और हम तुम्हें आडवाणी समझते थे, पर हम तुम्हें आडवाणी समझते थे, पर प्रेम में तुम नीतीश कुमार हुए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह। फिर बड़ी मुश्किल से एक प्रेमिका बनने वाली थी, वो इसलिए नहीं बनी क्योंकि मेरा उठना बैठना नेताओं के साथ रहता है। चार पंक्तियां मैंने उसे विश्वास दिलाने के लिए, हालांकि उत्तर प्रदेश के नेता बहुत अच्छे हैं, आदरणीय, सबका मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। कवियों को समाज का आईना बोला जाता है, और आईने के सामने बैठने की हिमाकत वही करता है जिसके चरित्र में दाग ना हो, जिसकी छवि बेदाग हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, वहां परिस्थितियां विकट, तब मैंने चार पंक्तियां लिखी। कि मानता हूं कि मैं तेरे लायक नहीं, नायिका है तू मैं तेरा नायक नहीं, मानता हूं कि मैं तेरे लायक नहीं, नायिका है तू मैं तेरा नायक नहीं, और जो भी वादा करूंगा मैं, जो वादा करूंगा निभाऊंगा भी, मैं जो वादा करूंगा निभाऊंगा भी, मैं नालायक लेकिन विधायक नहीं। आइए एक दो और मुक्तक रखते हैं, अपना स्थान लेता हूं क्योंकि बहुत बहुत फेरिस्ट और बड़े बड़े कवियों को आपने सुनना है। स्वागत प्रेम में, प्रेम में लोग अलग अलग प्रकार से प्रेमिका की तारीफ करते हैं, मैंने किस प्रकार से की सुनी है। कि तल्खियां छोड़ मनमुहार लिखने लगे, तलखियां छोड़ मनमुहार लिखने लगे, प्यार ही प्यार लिखने लगे और देख करके तुम्हें सैकड़ों ही कवि, बहुत अच्छे, देख कर के तुम्हें सैकड़ों ही कवि ओज लिखते थे श्रृंगार लिखने लगे, ओज लिखते थे श्रृंगार लिखने लगे। आइए सीधा सीधा गीत पढ़ता हूँ, अपना अपना स्थान। एक और मुझे याद है, कि नदी में ही समंदर का मजा आने लगा हमको, इसी धरती पे अंबर का मजा आने लगा हमको, नदी में ही समंदर का मजा आने लगा हमको, और लगाया जब गले तुमने कलेजे को मिली ठंडक, लगाया जब गले तुमने कलेजे को मिली ठंडक, मई में ही दिस
संवर का मजा आने लगा हमको। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए गीत के दो बंद रखे अपना स्थान। चले पवन पुरवाए नदिया लगड़ाए, चले पवन पुरवाए नदिया लगड़ाए, पतझड़ भी मन मोहक लागे जब से लगाए। जब आप प्रेम में होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ये नई उम्र के लोग महसूस कर रहे हैं, पुरानी उम्र के लोग पहले महसूस कर चुके होंगे। चले पवन पुरवाए नदियां लहराए, पतझड़ भी मन मोहक लागे जब से लगाए, जब से लगाए के उमड़ रहा नदिया का पानी, सागर लेने लगा रवानी। उमड़ रहा नदिया का पानी, सागर लेने लगा रवानी। देख तुम्हें मुरझा फूलों में भी आने लग जवानी। तो दूर हुई तन्हाई, रुत है मिलन की आई ने, पतझड़ भी मन मोहक लागे जब से लगाए, जब से लगाए। और क्या और क्या बदलता है प्यार होने पे, कि कालिख भी लागे है रोलोनी, मस्त लगे कागे की बोली। आमतौर पर लोगों को कोयल की अच्छी लगती है, लेकिन प्यार होने पर सब अच्छा लगता है। कि कालिख भी लागे रोलोनी, मस्त लगे कागे की बोली, दीवाना के दिल भी मनमा खेलना चाहे प्रेम की होली। तो सुध बुध में गवाए, सांसें हुई पराने, पतझड़ भी मन मोहक लागे जब से लगाए। चले पवन पुरवाए नदियां लहराए, पतझड़ भी मन मोहक लागे जब से लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद।